तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। पहली बात तो ये है कि ये होता क्या है, फिर मैं साथ ही साथ निकाल भी देता हूं बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रादर क्या चीज है, कैसे निकालते हैं हम, और क्या ये वेक्टर है या स्केलर है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी वाली डायरेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटे जब भी हम एक बार मैग्नेट का या करंट कैरिंग लूप का दोनों का देखते हैं तो दोनों अलग अलग केसेस हैं बेटा। आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट में ये एक पोल आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, इस पे डॉट लगा होता है, इस डॉट का मतलब होता है कि ये नॉर्थ पोलैरिटी है, दूसरा साउथ पोल होगा। इसकी मैग्नेटिक लेंथ पोल्स इसके देखिए, ये इसका बिल्कुल टर्मिनल एंड है, ज्योमेट्रिकल एंड है। नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ऐसे ही साउथ पोल भी थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। आपकी पोल से लेकर पोल तक जो लेंथ है इसको आप बोल देते हैं मैग्नेटिक लेंथ बेटा। और एक एंड से दूसरे एंड तक जो लेंथ है इसको आप बोल देते हो ज्योमेट्रिक लेंथ। और आपका जो मैग्नेटिक लेंथ है इट इज 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। यहां से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पोल्स बिल्कुल एंड पे नहीं होते, दे आर स्लाइटली इनवर्ड्स। मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट की अगर बात करें, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपका कैपिटल एम, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को आप स्मॉल एम लिख देते हो और मैग्नेटिक लेंथ को जनरली आप 2L लिखते हो। सो इट विल बी योर मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ बेटा। और इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ओरिएंटेड होती है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। अब थोड़ा सा आपको बेटे कई बार एग्जामिनर ने पूछा भी है कि ये एक आपके पास बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपने इसको अलोंग द लेंथ कट कर दिया, दो पीसेस बना दिए, व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैग्नेट, आइदर ऑफ द टू रिजल्टिंग मैग्नेट्स। जब आप मिडल में से कट कर दोगे, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया बट पोल स्ट्रेंथ आपका हाफ हो गया, जितना पहले था उसका हाफ हो गया, तो नई मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट अगर मैं एम डैश बोल दूं, इट विल बी इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, और ये पोल स्ट्रेंथ आपका m/2 के बराबर है, हाफ हो गया, एंड मैग्नेटिक लेंथ इट इज डायरेक्टली 2L। और आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो m into 2L करके, ये चीज आपको दे देगी मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट एम, आप ऑलरेडी लिख चुके हो। सो आपका नया मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है इट विल बी 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट इफ यू कट इट अलोंग द एक्सिस बिटवीन, राइट। कई बार एग्जामिनर पूछते हैं कि नहीं जी आपने इसको मिडल में से एग्जैक्टली कट कर दिया है, अगर आप मिडल में से कट कर दोगे देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ द न्यू मैग्नेट सो फॉर्म। ये आपके पास आपका अगेन बार मैग्नेट एंड नॉर्थ एंड ये साउथ पोल होगा आपका, आपने इसको मिडल में से ब्रेक कर दिया। जब आप इसको मिडल में से ब्रेक कर दोगे बेटे तो आपकी लेंथ जो है हाफ रह गई है। अब पहले लेंथ इसकी 2L के बराबर थी, मैग्नेटिक लेंथ आपने 2L बोला हुआ था, मिडिल में से ब्रेक करने पे हाफ रह जाएगी। नया मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट एम डैश पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगा अब आपका। और आप इसको देखिएगा अगर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि नहीं लिख सकते, राइट। और ये आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑलरेडी है, सो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट विल बी 1/2 ऑफ द
ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट बिफोर ब्रेकिंग इट फ्रॉम द मिडल इनटू द टू पीसेस. राइट बेटा, ये कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बेटा. इसके बाद में डायरेक्टली आपके मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप एंड एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल, इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, देन वी विल मूव अहेड विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एलिमेंट्स. आपने एक करंट कैरिंग लूप इमेजिन कर रखा है और करंट कैरिंग लूप में आपका करंट इमेजिन कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है. एंटी क्लॉकवाइज अगर टॉप पे हो तो ये नॉर्थ पोल होता है, अगर आपका क्लॉकवाइज हो तो वो साउथ पोल हो जाता है. तो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट आपका साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड होता है. और अगर आपका यहाँ पर करंट आई है और इसका रेडियस आर है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट विल बी आई इन टू ए करंट कैरिंग लूप के केस में. तो इसकी डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा हूँ, आपने बहुत बार किया है, कहाँ से आया, आपने लूप का रिजल्ट लेकर उसको मैग्नेट के रिजल्ट से कंपेयर किया था, वहां से ही आया था. अब आप किसी एटम की बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है एटम का और एटम के न्यूक्लियस के राउंड अबाउट ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये, और ये इमेजिन कर लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस इसका आर आप कह सकते हो. अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप इमेजिन करो, इट इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाया करती है. रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इट विल गिव यू द करंट लाइक दिस बेटा, ठीक है जी. और आप रेडियस आर ऑलरेडी बोल चुके हो, इसकी वेलोसिटी को वी कह दो. अगर आप इस करंट को देखोगे तो ये आपका साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड रहेगा, इट विल बी आई इन टू ए क्लॉकवाइज है, टॉप साउथ बन जाएगा, बॉटम नॉर्थ बन जाएगा. एंड मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट एम आपका आई और ए के प्रोडक्ट के बराबर आपको मिल गया. एंटी क्लॉकवाइज आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की मूवमेंट के अपोजिट आपके कन्वेंशनल चार्जेस मूव करते हैं. तो अगर ये डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रॉन का है तो करंट का उसके अपोजिट अपने आप हो जाएगा, राइट बेटा. अब देखिए आई और ए आपके पास है नहीं है, आई आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आप जानते हो डेफिनेशन इसका. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका ई के बराबर है, टाइम को आपने टाइम पीरियड कह दिया, कैपिटल टी बोल दिया. आपके पास सिर्फ वेलोसिटी अवेलेबल है, टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है. तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस 2πr/v आ जाएगा. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर लो तो कितना टाइम लेगा ये सारा चक्कर काटने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, और डिस्टेंस इज विद अस 2π/r, स्पीड इज इक्वल टू वी. वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर इन दिस इक्वेशन एंड योर आई इट विल टर्न आउट टू बी ई अपॉन 2πr डिवाइडेड बाई वी बेटा. इसको रीएडजस्ट कर लीजिए, आई विल बी इक्वल टू ई इन टू वी अपॉन 2πr हो जाएगा. आई आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्पेशली इस केस में इट विल बी इक्वल टू पाई एंड आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा. इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं. इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करके देखें एरिया की और करंट की, कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है. मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट विल बी इक्वल टू आई आपका था ई इंटू वी अपॉन 2πr एंड आपका एरिया है पाई आर के स्क्वायर के बराबर, राइट. एक आर आपका कट जाएगा, पाई कट जाएगा,
मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट बन गया 1/2 ई वी एंड आर, ये आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट बन गया। ये रिलेशनशिप इटसेल्फ हमें बहुत कुछ कहता है, आइए जरा देखें। ये कहता है कि मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट सीधा सीधा वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट भी ज्यादा होगा, और अगर रेडियस बड़ा है ऑर्बिट का, पहले की बजाय दूसरे शेल में है या तीसरे शेल में है चौथे शेल में है, तो मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। राइट, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का हम बदल नहीं सकते, वो तो सेम ही रहेगा। ये दो फैक्टर्स का ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। राइट, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन याद है बच्चों के, भूल गए? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इलेवन स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से किया था, उसके बाद आपने इलेवेंथ में किया था ना, आपने केमिस्ट्री में भी किया है, फिजिक्स में भी किया है कि नहीं किया? यस, आदित्य शर्मा बेटा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एनी वन फ्रॉम योर साइड? आदित्य शर्मा से लेकर ईश पुनीत तक सारे बच्चे बैठे हैं, सबका नाम नहीं मैं ले पा रहा हूं, टाइम कम है। एनी वन बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बेटा? ध्रुव, वंशिका, अभय, अंशिका, मानविया, रोहन, सुप्रिया, ईश पुनीत, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बच्चों याद है? भूल गए हैं? देखिएगा फिर जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमें कहता है कि एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, इट इज योर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, इसके बराबर होता है ना? और एंगुलर मोमेंटम इटसेल्फ किसके बराबर है? एंगुलर मोमेंटम आपने निकाल रखा है ना इलेवेंथ में, mvr आपने बहुत डिटेल में कर रखा है ऑलरेडी, सो आप कह सकते हो mvr nh अपॉन 2π इसके बराबर है। राइट, आप v और r की वैल्यू यहां से निकाल लो, v एंड r इट विल बी NH अपॉन 2πm आ जाएगा। इस VR की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सो यू विल गेट दैट मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट इज 1/2 ई, VR की जगह आ गया NH अपॉन 2πm, और आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स We will be having that, ये आपका जो है, आइए देखें किसके बराबर आ जाता है। M is equal to, N को मैंने adjust कर लिया बाहर बिल्कुल, E into H upon 4πm आ जाएगा ये, और ये आपका इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, M is equal to N into mu B, और mu B आपका बोहर मैग्नीटोन कहलाता है, ये इसका अदरवाइज वैल्यू है। इसमें देखो E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, 4π एंड m सब कांस्टेंट्स हैं। अगर आप ये वैल्यूज डाल दोगे तो 9.27 × 10⁻²⁴ A·m² −2 के बराबर आपका बोहर मैग्नीटोन का वैल्यू आ जाएगा। अब बात ये है कि बोहर मैग्नीटोन हमें इंडिकेट क्या करता है? जब भी आप एटम की बात करते हो तो एटम के अंदर दो तरीके का मूवमेंट है बेटे इलेक्ट्रॉन का। एक तो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के राउंड अबाउट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है इस तरीके से, इसको बोल देते हैं आप ऑर्बिटल मोशन, ठीक है? और दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने ही एक्सिस के राउंड अबाउट स्पिन भी करता है, दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन। दो चीजें हैं पुत्र,
एक ऑर्बिटल मोशन है, एक स्पिन मोशन है। हम सिर्फ खाली यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन की बात कर रहे थे। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड अबाउट ऑर्बिटिंग करता है तो इसके ऑर्बिटल मोशन प्रेस्क्राइब करने के साथ ये बिकॉज एक करंट का लूप बन गया, एक मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल मोशन की वजह से ही होगा, राइट? इसकी वैल्यू आपने निकाली है बोर मैग्नीट्यून। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चला जाए, आप सिंपली एन बदलते चले जाइए, आपको मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, जितने भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट अकॉर्डिंगली आपको मिलता चला जाएगा। यू विल बी एबल टू गेट इट कैलकुलेटेड। और साथ ही साथ अदरवाइज अगर आप बात करना चाहो कि आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है, इस मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट की इंक्रीज या डिक्रीज आपको देखनी है जब आप अपना मटेरियल एटम जो है इसमें इनकी स्पीड्स वगैरह कैलकुलेट करो, देखो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड फर्स्ट ऑर्बिट में कुछ और होती है, सेकंड में और, थर्ड में और होती है, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट इट। दूसरी बात थी स्पिन मोशन की, वो सिलेबस में आपके नहीं है। ऐसे ही स्पिन मोशन की वजह से भी आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट डिवेलप होगा और आप इन द नट शेल टोटल मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो है इन दोनों का वेक्टर कॉम्बिनेशन करके निकाल पाओगे, सिंपली नहीं कर पाओगे, राइट बेटा? तो इतनी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं। सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग बोहर मैग्नीट्यून। अगर कोई बात नहीं पता चली तो बताइए, मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लियर है? अब आ जाइए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल दैट, ये सारे का सारा भी एक बार देख लें इसमें क्या है और हमने क्या इसके साथ रिलेटेड स्टडी करना है। आइए फोकस करें बेटा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेटे तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहली बात तो है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है। हम ये इमेजिन करते हैं कि अर्थ जो है इसके सेंटर पर, इसकी कोर में हैवी मेटल्स मॉल्टन फॉर्म में पड़ी है और अर्थ की क्रस्ट का और अर्थ के मेंटल लेयर्स का काफी ज्यादा प्रेशर भी है और प्रेशर की वजह से वो आयोनाइज फॉर्म में अर्थ के सेंटर में कोर पे पड़ी है और जैसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है रादर, उसी हिसाब से वो मॉल्टन फॉर्म में सारा हैवी मेटल्स जो है आयोनाइज फॉर्म में वो भी रोटेट करेंगी, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू करंट और वो करंट आपके अर्थ को मैग्नेटाइज कर दिया करता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम इमेजिन कर लें कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ का ये आपके ज्योग्राफिक एक्सिस हैं, इस कलर से मैंने मार्क किए हैं, अगर हम मैग्नेट इसकी बात करें, ये नॉर्थ आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। अगर आप एक मैग्नेट को सस्पेंड कर देते हो तो आपका मैग्नेट इस तरीके से ऐसे लाई करता है, मैग्नेट का नॉर्थ इधर आता है, साउथ इधर आता है, ये सस्पेंडेड मैग्नेट है जो आपने थ्रेड के साथ सस्पेंड कर रखा है। अगर आप अर्थ के मैग्नेट की बात करो, अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से इधर साउथ होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, इधर नॉर्थ होगा, तभी आपके सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ को वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्योंकि आपके ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दीज आर एट सम एंगल और ये एंगल ही आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कहलाता है। मैं टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं बेटा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को थीटा बोलते हैं। इट इज द एंगल विच यूर मैग्नेटिक एक्सिस मेक विद द ज्योग्राफिक एक्सिस इन द केस ऑफ द अर्थ। तो ये थीटा आपने निकाल लिया मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में एंगल जो है, जो भी है, इसको आपने एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी कह दिया। एक यहाँ पे और स्पेसिफिक टर्म आती है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। अर्थ के ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में से जो वर्टिकल प्लेन पास कर रहा है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस,
दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन एंड द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस दैट इज कॉल्ड बिट मैग्नेटिक मेरिडियन. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपने इमेजिन कर लिया आपका ये जियोग्राफिक मेरिडियन और ये आपने इमेजिन किया मैग्नेटिक मेरिडियन. मैं रिपीट करूं अगर फिर से, जियोग्राफिक मेरिडियन आपका वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस है, मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस है, इनके बीच में ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंडली, किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मान लो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हॉरिजॉन्टल ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना देती है इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. फिर ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पर्टिकुलर प्लेस. ये जगह हर एक जगह पर बदलता चला जाएगा, इसकी वैल्यू और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी अलग अलग पोजिशन में अलग अलग पॉइंट्स पे. सो एक आपका था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, सेकेंड आपने बेटे डिफाइन किया एंगल ऑफ डिप, या आप इसको बोल देते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कुछ भी आप दोनों में से इसका नाम रख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. तीसरी बात है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लो, ब्रेक कर लो. इसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल ये आ गया और अलोंग द वर्टिकल ये आ जाएगा. अलोंग द हॉरिजॉन्टल इधर को इसका जो कंपोनेंट होगा, आई कैन मार्क दिस एज बी हॉरिजॉन्टल, इट विल बी इक्वल टू बी कॉस ऑफ एंगल डेल्टा आ जाएगा. और ये अलोंग द वर्टिकल जो होगा बी वर्टिकल, इट विल बी बी साइन डेल्टा आ जाएगा. ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हैं. थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर हम पोल्स पे चले जाएं, पोल्स पर आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये खत्म हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ही रह जाता है, और इट विल मीन दैट कि वहां पे आपका डेल्टा कितना हो जाएगा, 90. आपको साइन 91 दे देगा, दैट विल बी यूनिटी बेटा. और अदरवाइज अगर आप बात करोगे अपने इक्वेटर पे, इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका बी के बराबर हो जाएगा और डेल्टा कितना हो जाएगा, 0. फिर से देख लीजिए एक बार बेटे, कई बार आ भी जाता है. एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी के बराबर ही है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बी इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा इज 1, डेल्टा इज 0, 19 इज 0. आपका एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट द इक्वेटर 0 डिग्री हो जाएगा.
और अगर आप बात करोगे एट द पोल्स, एट पोल्स, पोल्स पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है बी के बराबर है, इसमें पुट कर दो ये वाले में, बी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा इज 90 डिग्री, यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही साथ कई बार आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बेटा जो है ये दिए जाते हैं और आपको वो कह देते हैं कि रिजल्टेंट निकाल दो, तो अकॉर्डिंगली इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम कह सकते हैं, इनका स्क्वेयर करके ऐड कर लीजिए। इसका स्क्वेयर आ जाएगा बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वेयर, इट इज बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा, बी वर्टिकल का स्क्वेयर आ जाएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा, इनको आप ऐड कर लीजिए दोनों को, राइट, ये आ जाएगा बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वेयर बी वर्टिकल का स्क्वेयर, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा विल गिव यू यूनिटी, बी आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स के स्क्वेयर के सम के स्क्वेयर रूट के बराबर। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपको डेल्टा इटसेल्फ अगर निकालना पड़ जाए तो आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं। लेट अस डू दैट, इक्वेशन नंबर 2 को आपने 1 से डिवाइड किया, 2 आपके पास था बी वर्टिकल, इट इज बी साइन डेल्टा, और 1 था बी हॉरिजॉन्टल बी कॉस डेल्टा, आपने ऐसे कर दिया, राइट बेटा, ठीक है जी। जब आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर दोगे तो देखो आपका बी तो कंपोनेंट आपका कैंसिल आउट हो गया, बी वर्टिकल डिवाइडेड बाय बी हॉरिजॉन्टल दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल डेल्टा, या डेल्टा दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, तो ये आपके पास बेटे जो है ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपको डेल्टा नहीं पता तो, और अदरवाइज पता है तो आप वो कर सकते हो एज सच। सो ये आपका बेटा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड था। एक दो बातें और करने वाली रह गई हैं। अगर आप अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जरा कंसंट्रेट करो, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड रहती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटे, 1 मिनट आपका और लूंगा मैं। ये आपका अर्थ है और ये आपके मैग्नेटिक एक्सिस में बना रहा हूँ, जोग्राफिक एक्सिस नहीं है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये वाला जो रीजन है खास करके जोग्राफिक रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका पर्टिकुलरली बेटे कनाडा कंट्री के आसपास वाला रीजन है, ग्रीनलैंड वगैरह के आसपास वाला, इधर ये वाला रीजन जो है काफी कोल्ड रीजन है ये। अब असल में प्रैक्टिकली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सोलर फ्लेयर या आपकी जो कॉस्मिक रेज हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बहुत है, अगर हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर लें तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ओरिएंटेड है आपकी लाइन्स, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ की तरफ आ रही हैं, और यहाँ पे आपकी लाइंस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, ये देखिए ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लाइंस आपकी काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड हैं। इस रीजन में हाई मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इस रीजन में हाई मैग्नेटिक फील्ड रहता है, उससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स जो सोलर फ्लेयर के टाइम पे या सन से आ रहे हैं ये ऐसे स्पाइरल पाथ करते 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 यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इधर से भी ऐसे स्पाइरल पाथ फॉलो करके यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन रीजन्स में डांसिंग लाइट की शीट्स देखी गई है, फिजिकल फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाता है, और ये लाइट्स आपकी बेटे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से लाइट्स होती हैं, और ये जैसे आपका अदरवाइज करंट होता है बिल्कुल वैसे ही करंट कॉन्स्टिट्यूट कर देती हैं, एंड वी आर टू बी
safe from these currents. That's why in regions को prohibited category में रखा गया, वो इनके नजदीक जाने नहीं देते. That's all from my side for the day, बेटा. आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं. इधर आदित्य शर्मा से लेकर ईश पुनीत चला गया है मुझे लगता. हाँ जी सर, मैं हूँ सर, क्लास में हूँ. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, गुड गुड, नाइस नाइस. कोई बेटे पॉइंट नहीं पता चला तो बता दीजिए, मैं आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ. अदरवाइज ये चैप्टर हमारा खत्म है. कल मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा बेटे, और उसमें भी मैं किरचॉफ लॉ से स्टार्ट करूंगा. दैट इज द टॉपिक वेयर यू नीड री डिस्कशन, राइट? यस सर. बेटा किरचॉफ लॉ सारे स्टूडेंट्स जरा पढ़ के आइएगा कल. थैंक यू बेटा.